सो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अभी अभी जस्ट उठा हूँ और मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि कैमरे से बनाऊँ। पहले तो बहुत भारी है, मेरा हाथ दुख रहा है, और दूसरी बात जो मैं सोचता हूँ रोज की करूंगा, और आज मैं कोशिश करूंगा कि वो सब करूं जिसमें मेरा पहला टास्क तो फेल हो गया है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, अब बाकी की आगे की चीजें देखता हूँ। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि शायद वीडियो के प्रेशर में आगे मैं कर लूँ, बाकी तो मैं आलस कर लेता हूँ। चलो बाकी नहा के आता हूँ। नाश्ता बना रही है मम्मी, क्या बना रही है? क्या बात है, मेहनत भरा काम। सो मैं अभी अभी नहा के आ गया हूँ, और इतनी जल्दी, मैं बहुत दिन बाद नहाया हूँ। मैं नॉर्मली नहीं तो 3-4 बजे तक नहाता हूँ रोते रोते, और वो भी मेरा मन नहीं करता है, मैं मजबूरी में नहा लेता हूँ। ये तो एक कैमरा पकड़ के हाथ दर्द कर रहा है। बाल देखो कैसे तेरे नाम जैसे हो गए, बाकी मैं इनको जमा लेता हूँ अभी। और जैसा कि हमने सुना है कि अगर हम किसी के पैर छूते हैं तो उसके पुण्य हमें मिल जाते हैं, तो बहन का फायदा है, हम बहन के पुण्य ले लेंगे। बहन हमें अपने पुण्य दे दो। मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगी तो कहाँ से लेगी? नहीं, पैर छूने से हो जाता है काम, तुम आशीर्वाद दो मत। दो पुण्य नहीं दोगी? पुण्य नहीं दोगी? है ना मम्मी, तुम्हारे भी ले लेता हूँ इधर, तुम्हारे भी ले लेता हूँ जी माता। ऐसा तो चलो, हम चप्पल पहन के नहीं छूते, पुण्य दो हमें जय माता दी। घर में बैठ के हा हा हा, पापा बचे हैं बस। पापा और बचे हैं, चलो पापा के भी पुण्य ले लेते हैं। पापा तुम्हारे पैर दिखाओ, मैं पुण्य लेने आया हूँ, तुमने तो ऑलरेडी चप्पल नहीं पहनी। हम घर का सबसे बड़ा धर्मात्मा आदमी मैं हूँ इस समय, मैंने मम्मी के, तुम्हारे बहन के, सबके पुण्य ले लिए। ये देखो बड़े बड़े बालों में ऐसा होता है, जमते नहीं है बेचारे। तुम्हारे अलग ही हेयर स्टाइल है पापा, तुम्हारे तो स्मार्ट लोग हो। हाँ, हमारे खड़े करने पड़ते हैं हमें। अब हमारे बाल भी जम गए हैं और हमने नाश्ता पानी भी कर लिया है, तो अब टाइम आ गया है हमारा उस काम को करने का जिसके रूटीन में इतने दिन से सेट कर रहा था, मतलब गेमिंग वीडियो। मेरे को गेमिंग वीडियो बनाने में बहुत आलस और दिक्कत होती है, वो क्यों होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये देखिए, गेमिंग में ऐसा कुछ होता है कि ये पलंग पे तो सब कचरा पचरा पड़ा रहता है, मतलब गद्दे वद्दे, इनको मैं साफ नहीं करता। और यहाँ से फिर लाइटें चालू होती हैं, ऊपर की सारी चालू होती हैं, ये वाली चालू होती है, ये वाली चालू होती है, यहाँ का बल्ब मोटा सा चालू होता है, और चारों तरफ मेरे लाइट ही लाइट होती है, और इस जगह पे मैं बैठा होता हूँ तो वो इतनी सारी लाइटों में ना थोड़ी घबराहट सी हो जाती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए मेरे को थोड़ा गेमिंग वीडियो मुश्किल लगता है। शायद अब मेरा चेहरा भी ज़्यादा अच्छे से चमक रहा हो, क्योंकि मैं बहुत सारी लाइट के बीच में, और इतनी सारी लाइट होने की वजह से कभी कभी सर भी थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, पर ठीक है, वीडियो में लाइटनिंग चाहिए होती है, या तो शायद लोगों का सेटअप अलग होता होगा जो बनाते हैं डेली, क्योंकि मेरे को तो इतने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे पंखे वंखे सब बंद करने पड़ते हैं, नहीं तो आवाज़ आती है वीडियो में, और उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि वीडियो में आवाज़ में मज़ा नहीं आया, आवाज़ ढंग से नहीं आ रही। कर रहा हूँ मैं इम्प्रूव करने की कोशिश। और दूसरी बात, जो लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं ट्रिगर्ड इंसान के साथ प्रैंक कॉल करूं, भाई मेरे पास नंबर नहीं है, मैंने मेल किया, मैसेज किया, मुझे रिप्लाई नहीं मिला। मैंने आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करी अपने तरफ से कि मैं प्रैंक कॉल कर पाऊं, दोस्ती बढ़ा के थोड़ी सी, पर मुश्किल रहता है यार, बड़े यूट्यूबर्स के साथ दोस्ती बनाना बहुत मुश्किल रहता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास जितने दोस्त हैं मैं उनके ऊपर करूंगा धीरे धीरे। ये गेमिंग वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरा कमरा बंद करना पड़ता है, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, और अभी गर्मी का मौसम आ गया तो काफी पिंपल वगैरह भी होने लगते हैं, और एक्ने और पिंपल का तो आपको पता ही है कि पॉल्यूशन की वजह से कितने बढ़ जाते हैं। अगर हमें इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, क्लीन एनवायरमेंट ही हो सकता है, और प्लस एक बेसिक स्किन केयर रेजिमे भी। आई नो लड़कों का तो इतना कुछ फोकस होता नहीं स्किन केयर पे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पिंपल, एक्ने, बैकआउट में से कुछ भी है, तो एक नॉर्मल हैबिट बनाना शुरू कीजिए। एक हैबिट है कि ऐसा प्रॉपर फेस वॉश यूज करने की जो एक्ने, पिंपल और स्किन केयर के लिए ही बनाओ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोई भी सोप जो हाथ में आ जाए। विंटर में तो मैं कोई फेस वॉश यूज नहीं करता हूँ, पर जैसा कि गर्मी आ गई है तो मैं दिन में 1-2 बार फेस वॉश यूज करता हूँ। ये है उस तरह का नीम एंड चारकोल फेस वॉश, ये फेस वॉश यूज करने के बाद मुझे बेस्ट लगता है सेंसिटिव ऑयली प्रोन स्किन के लिए, एंड बेस्ट फॉर पीपल जो बाहर बहुत जाते हैं। इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, नीम एंड चारकोल। जैसा कि इसमें नीम एंड चारकोल है तो मैं आपको बता दूं, नीम प्योरीफाई करता है आपकी स्किन को, एंड चारकोल डीप क्लीन करता है आपके पोर्स को, एंड डर्ट भी निकालता है। जब लड़कों की स्किन केयर की बात आती है तो हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और मुझे तो लगता है ज्यादातर लड़के अपनी बहनों का फेस वॉश यूज कर लेते हैं, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें असल में है क्या। प्रेफर करो कि वही प्रोडक्ट यूज करो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाओ, जिसमें पैराबेन या और कोई केमिकल यूज ना हुआ हो, जैसे कि ये उस तरह का फेस वॉश। अभी आपको जो वैल्यू मिल रही है इस प्राइस में, ये बहुत अच्छी डील है। आप देख सकते हैं कि ये बॉटल कितनी बड़ी है, और ये काफ़ी ज़्यादा चलेगी उन फेस वॉशेस से जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्म नहीं आ रहा है,
पता है क्यों? बेसिक रिसर्च से मुझे पता चला है कि फॉर्म जो होता है वो प्राइमरीली सल्फर से बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस फेस वॉश में कोई भी केमिकल नहीं है, तो इसलिए इसमें फॉर्म आपको कम मिलेगा। और ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हमें पता नहीं होती हैं, आसानी से पता नहीं चलती हैं, पर ये हमें फ्यूचर में हार्म कर सकती हैं। पर भाई सच्ची दिल से खुशी हुई इसको यूज़ करके। आप करना चाहें तो मस्त निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं, उस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट के लिए मेरा प्रोमो कोड रजत20 यूज़ कर लीजिएगा, और चाहे तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बारिश के बाद का ये दिव्य मौसम, कितना प्यारा मौसम है, वाह वाह वाह। और यहाँ गंदे गंदे लोग बैठे हैं, गंदी गंदी चप्पल लेके, छी छी छी। कितना मोबाइल चलाती हो दीदी तुम? 24 घंटे मोबाइल चलाते हैं इस घर में लोग। क्या बढ़िया बादल हो रहे हैं यार। मैंने बाल तो बहुत अच्छे जमाए थे, पर अभी उनका कबाड़ा हो चुका है। तो बाकी मैं कहानी सुना देता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि मैं काफ़ी छोटा था और भूला भाला भी, तो मुझे पता चला कहीं से कि एक जगह है जहाँ पे जाके लोग तेज़ हो जाते हैं। मतलब कि मेरे को स्टेज फेयर है और कॉन्फिडेंस कम था मेरा उस समय, तो मैं सोचता था कि बस किसी प्रकार से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो मैं सिर्फ यही सोच के गया था कि यार ये लोग इतनी आसानी से लोगों से बोल दे रहे हैं कि पैसे दे दो। किसी से पैसे मांगना, भाई उधार के नहीं मांग पाता इंसान, वो लोग अपने हिस्से के तुमसे पैसे मांग लेते हैं। मैं यही सब सोच के गया था अपने दिमाग में। और फिर उधर जाके जब उनने बिठाया, वहाँ पे लगभग कितने कुर्सियों पे बिठाया था, हम लोग थे 40-50 लोगों को बुला के लाए थे वो लोग। 50 रुपये की टिकट थी, मेरे पास थे नहीं, तो मेरे पैसे वो भैया नहीं दे दिए थे जो मेरे को बुला के ले गए थे। और फिर वहाँ पे एक बंदा आता है और वो इतनी बड़ी बड़ी स्पीचें देता है कि करोड़ों का घर हो जाएगा, बंगला आ जाएगा, कार आ जाएगी। पर मेरे को उन सब चीज़ों से तब भी इतना कोई मतलब नहीं पड़ रहा था, मेरे को बस अच्छा ही लग रहा था कि वाह यार स्टेज पर खड़े होकर बंदा बोल ले रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ सही लगी। उसके बाद फिर वो लोग बोल भी रहे थे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप करवा देंगे, ये करवा देंगे, और मेरी पुरानी फ़ोटो देखी होगी अगर, काफ़ी चंपू था मैं। तो मेरे को उस समय वो लगता था कि बस किसी प्रकार पर्सनालिटी चेंज हो जाए, चंपू ना रहूँ मैं। इस चक्कर में फिर मैं बहुत खुश हो गया, मैंने बोला कितने, 6,500 रुपये। फिर मैं घर जाके मैंने पापा से बोला कि पापा 6,500 रुपये चाहिए, तो पापा ने बोला नहीं ये लोग फ्रॉड होते हैं और ऐसा और वैसा, पापा ने नहीं दिए पैसे। फिर मैंने बहुत कोशिश करी, पापा के सामने मैं रोया और मैंने क्या क्या किया, मैंने एक दिन खाना नहीं खाया, पर पापा ने मुझे नहीं दिया पैसे। और फिर क्या, फिर पापा ने मुझे फुल्की खिला दी और मैं सब भूल गया। और फिर उसके बाद एक बार जब मैं जॉब करने लग गया था, तब फिर मुझे एक, मतलब एक मेरी दोस्त थी, उसने बोला कि रजत मुझे तुमसे मिलना है। मैंने बोला मेरे से क्यों मिलना चाह रहा है यार कोई पहली बार? तो फिर मैं गया मिलने, तो उधर पे एक भैया भी खड़े हुए, वो मुझसे कहते हैं कि ये देखो बिजनेस है ऐसा, पैसे कमा लोगे, कब तक जॉब करोगे, जॉब में क्या मिलता है? मैंने बोला जॉब में खुश हूँ मैं, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मतलब डेवलपमेंट हो रहा है मेरा, मैं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इसलिए जॉब कर रहा हूँ। तो वो कहते कि नहीं ऐसे ज़िंदगी नहीं निकलती। मैंने बोला मेरी तो निकल जाएगी। तो कहने लगे तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसी जॉब ही करते रहोगे 6,500 की ज़िंदगी भर। तो मैं तो 6,500 की जॉब करना भी कोई बुरी बात नहीं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा क्या है। पर फिर वो भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि मैं उनकी एक भी नहीं सुन रहा था, और फिर बाल मेरे ख़राब हो गए उनके तक। हाँ, तो उसके बाद फिर वो तो फिर वहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर एक मेरा दोस्त था जिसकी गर्लफ्रेंड थी इन सब चीज़ों में, फिर वो मुझसे कहता कि भाई मैं अकेला जाऊँगा तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा, मेरे साथ चल ले तू भी। फिर मैं उसके साथ गया, तो मैं 3 बार फंसा इन सब चीज़ों के चक्कर में, पर एक बार मैं सीरियस हो गया था, बाकी 2 टाइम तो मैं मजाक करने गया था। वहाँ जाके वो जो स्टेज पे खड़ा हुआ था बंदा, उसका ही मजाक उड़ा दिया था मैंने, वो उसने मेरे को उठा दिया गलती से, और वो मुझसे कहता है कि क्या करते हो तुम, कब तक अपने मम्मी पापा के पैसों पे जियोगे? मैंने बोला मैं नहीं जीता, मैं जॉब करता हूँ। कहता जॉब में क्या मिलता है, 5-6 हज़ार में क्या होता है? उस वक्त मेरी सैलरी 12-13 हज़ार थी। मैंने बोला 5-6 हज़ार नहीं है, 12-13 हज़ार है। फिर वो कहता तो 12-13 हज़ार में भी क्या होता है? मैंने बोला ये जो सूट पहना तुमने ऐसे 2 हज़ार थे 12-13 हज़ार में। फिर सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर। फिर वो कहने लग गया कि ऐसे मुंह चलाने वाले लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते ऐसा वैसा। तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग तभी उठ के चले गए थे। मैं बताओ अपने घर ये लोग 50-50 रुपये में बुला रहे हैं और बेइज्जती कर रहे हैं। तो उनका ऐसे ही रहता है, अगर आप उनको उनके हिसाब का जवाब ना दो जो वो सुनना चाहते हैं तो बुरा लग जाता है। तो बस मेरी तो इतनी थी MLM की कहानी, बाकी मैं इतना कुछ फंसा नहीं, फंस जाता मैं अगर मेरे पापा मुझे ना रोकते, क्योंकि मैं तो पूरा घुस चुका था कि मेरे को तो MLM करना है, पर पापा ने नहीं करने दिया, पैसे ही नहीं दिए। अब पैसे हैं मेरे पास उनको देने को, पर अब मुझे दे रहे ही नहीं, मुझे करने ही नहीं है। अब तो बढ़िया, अब मेरे को मिलती है वो, पता है वो लोग मिलते हैं जो लोग मेरे को बोलते थे कि MLM नहीं करोगे तो ज़िंदगी में क्या करोगे, अब वो लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे हमारी स्टोरी डाल दो, हमारी रील डाल दो अपनी स्टोरी पे। तो मज़े आते हैं।
बाकी तो MLM मेरे को तो सही नहीं लगा। बाकी मैंने काफ़ी लोगों को देखा, उनके पास आ गए हैं पैसे, पर पैसे बस उन लोगों के पास आए जो एकदम शुरू में थे, जो अभी नए नए आ रहे हैं। आप खुद सोचो कि जो, और उनसे अगर अपन बोलो कि मम्मी पापा नहीं दे रहे हैं पैसे, तो बोलेंगे मम्मी को पापा को बोलना कि आप लोग दुनिया देखने आए हो, हम दुनिया को दिखाने आए हैं। और सीधी सी बात ये होती है कि जब तुम अपने मम्मी पापा को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हो पैसे लेने के लिए, तुम दूसरे इंसान को कैसे कर लोगे? जिस मम्मी पापा के साथ अपन ज़िंदगी भर से रह रहे हैं, अपन अगर उन्हें ही कन्विंस नहीं कर पा रहे कि पैसे दे दो, तो दूसरे से कैसे ले लोगे पैसे? तो काम वो मेहनत का है, और वो थोड़ा सा दूसरे, अब मेरे पैसे किसी ने डूबा है तो मैं उसको निकालने की कोशिश करूँगा, ऐसे इंसान डूबता जाता है डूबता जाता है। तो तुम डूबो, तुम किसी और को डुबाओ, तो बददुआ लगती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो वो काम ठीक नहीं है। बाकी फ्रॉड है या नहीं है वो भगवान जाने। तो बस इतनी कहानी थी मेरी। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। और हाँ, ट्रिगर्ड इंसान का नंबर नहीं है मेरे पास, कमेंट करना बंद करो, मेरे जले पर नमक छिड़कते हो तुम लोग। ट्रिगर्ड इंसान को कॉल करो, ट्रिगर्ड इंसान को कॉल करो। छोटे छोटे शेरों से हम तो झोला उठा।